अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत है या साजिश के साथ मैं हूँ सलमान हैदर। नाज़रीन, डॉक्टर मुईद पीरज़ादा निजी दौरे पर मुल्कों दौरे पर हैं, लेकिन उनकी कमी इतनी महसूस नहीं होगी क्योंकि फोन लाइन पर वो हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद होंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद होंगे सलमान गनी साहब, तजियाकार, हेड ऑफ पोलिटिकल अफेयर्स दुनिया न्यूज़, जबकि प्रोग्राम के एक हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे कुंवर दिलशाह साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन। आज का अहम मौजू, नाज़रीन, आम इंतखाबात में धांधली से मुतल्लिक जस्टिस चीफ जस्टिस रासिल मलिक की सरबराही में आज एक अहम इजलास हुआ, जिसमें 12 हलकों के हवाले से फॉर्म 15 को आज तलब किया गया। एक अहम नौयत का ये केस था, इंक्वायरी कमीशन की आज की समाअत। सांसद इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने भी हलका 122 के सिलसिले में आज समाअत की है, जिसके आने वाली तारीखों में इसका फैसला भी आने वाला है। इंक्वायरी कमीशन ने तरीके इंसाफ का 6 सफात पर मुश्तमिल मुरासला था, आज सारा दिन वो ही जेरे बहस रहा, जिसमें तहरीक साहब ने यह मुतालबा किया था कि रिटर्निंग अफसरान से तहकीकात की जाए ताकि ये मालूम हो सके कि क्या उन्होंने अपने तमाम काम इलेक्शन कमीशन के अहकाम की रोशनी में ही सर अंजाम दिए हैं। इसके अलावा नादरा पर भी बात करेंगे, अजीब वल्नरेबल पोजिशन है, कुछ करे तो भी इंक्वायरी भुगतती है, ना करे तो भी इंक्वायरी भुगतती है। यार पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान उनके दफ्तर के अंदर चले जाएं और जब बाहर आए तो फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। चौधरी निसार को हल्फन ये कहना पड़ता है माजी में कि मैं चेयरमैन नादरा से नहीं मिला। ये तमाम अहम मौजूआत है, लेकिन अभी एक ताज़ा पेशरफ्त ये भी है, पीटीआई के इलेक्शन ट्रिब्यूनल के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में जस्टिस वजीउद्दीन की सरबराही में एक इजलास था, जिसका आज वर्डिक्ट दी है, इसको फैसला भी कह सकते हैं, जिसमें टॉप सीट जिसमें वजीर आला केपी के परवेज खटक, अलीम खान, जहांगीर तरीन और नादिर खान को दोबारा पार्टी में लेने पर पाबंदी तक आयद कर दी गई। इतना सख्त फैसला, इसकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी, इन तमाम मौजूदात को जेर बहस लाएंगे। गुफ्तगू का आगाज करेंगे डॉक्टर मुईद पीरज़ादा साहब से। डॉक्टर साहब, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल सलमान, बहुत शुक्रिया। सलमान, ये जो डेवलपमेंट है, जो जुडिशियल कमीशन की डेवलपमेंट है, जहां पे 12 हलकों का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया और जहां पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ये इसरार कर रही है कि रिटर्निंग अफसरान को भी बुलाया जाए, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि साथ ही वो मिल जाती है, मिक्स हो जाती है एनए 122 के हवाले से, जहां नादरा की सप्लीमेंट्री रिपोर्ट का भी झगड़ा चल रहा है और ये भी पता चला है कि ट्रिब्यूनल के जो जज साहब हैं उन्होंने कहा कि ये जो सप्लीमेंट्री रिपोर्ट है उसको रिकॉर्ड में शामिल करना है, नहीं इसका फैसला वो बाद में करेंगे, तो वो दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और जाहिर है हमारा फोकस उस पर बहुत रहेगा सलमान गनी साहब के साथ और कमर दिलशाद साहब के साथ। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो खबर अभी दुनिया ने ब्रेक की है और जिसे अब और टेलीविजन चैनल भी दोहरा रहे हैं कि जस्टिस वजी ने जो रिकमेंडेशन जी हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना इलेक्शन ट्रिब्यूनल है, जिसमें हम कोशिश भी कर रहे थे कि जहांगीर तरीन साहब को हम ले सकें लेकिन वो मिल नहीं रहे हमें इस वक्त, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर उसकी कानूनी अहमियत कोई ना भी हो तो उसका सियासी नुकसान जो है वो तहरीक इंसाफ को बहुत होता है। और उसमें समझने की बात ये, वो ये कहते हैं कि जहांगीर खान तरीन साहब को, नादिर खान लगारी साहब को तहरीक इंसाफ से निकाल दिया जाए बेकायदियां करने में, और परवेज खटक साहब और अलीम खान की जो बेसिक मेंबरशिप है, बुनियादी मेंबरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसको कैंसिल किया जाए और जहांगीर खान तरीन और नादिर खान लगारी को रीएडमिट। यानी टेक्निकली देखें तो पीटीआई के सर हैं ये तमाम अफराद। जी जी बिल्कुल, पीटीआई का जो सियासी ढांचा है, जो पीटीआई का स्ट्रक्चर है, जो उसकी फाइनेंसिंग है, जो उसकी कैंपेनिंग है, उसके ये लोग ब्रेन भी हैं, उसका स्ट्रक्चर भी है। अब परवेज खटक चीफ मिनिस्टर भी हैं, अलीम खान एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर भी हैं, तो ये जो पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स है जहां दो तीन धड़े बने हुए हैं उनके दरमियान का ये जो झगड़ा है, कानूनी हैसियत तो इसकी कोई नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस कमीशन को वाइंड अप कर चुके हैं। वो ये कह चुके हैं आज से चंद हफ्ते पहले कि कमीशन ने अपना काम खत्म कर लिया, ये एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया गया था, इसने अपनी रिकमेंडेशन दे दी है और अब उसकी रिकमेंडेशन पे वो फैसले भी कर चुके हैं, जहां मेंबरशिप खत्म कर दी, यानी टाइटल खत्म कर दिए पार्टी के और कहा कि नया इलेक्शन होगा। लेकिन इस मौके पर जस्टिस वजी ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो क्यों इतने रिएक्टिव हैं, ये फैसले वो खुद कर रहे हैं या कोई उन पर असरअंदाज हो रहा है? बिकॉज सियासी एतबार से इमरान खान के लिए जिस तरह से ये अभी चीज सामने आई है, ये बड़ी मैं समझता हूँ सियासी तौर पे नुकसानदेह। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी तो पीटीआई का स्टांस इस सिलसिले में आना बाकी, आज के अहम मौजू की तरफ आते हैं। 126 दिन का धरना था, शहर शहर जलसे थे, फिर अल्लाह अल्लाह करके एक जुडिशियल कमीशन जिसे अब इंक्वायरी कमीशन का नाम दिया गया है वो भी बन गया। आपको लग रहा है कि दोबारा से क्वेश्चन रेज हो रहे हैं क्या, ये 45 दिन जो इस हफ्ते में खत्म होने जा रहे थे, कि इन 45 दिनों के अंदर ये मामला समअप होता नजर आ रहा है कि अभी आपको कुछ और देर लगेगी? देखिए, अगर मुझसे आप पूछ रहे हैं तो मैं समझता हूं कि 45 दिन से तो गालिबन पहले ही तकरीबन 45 दिन के हम ऊपर जा चुके हैं जब से के जुडिशियल कमीशन बना था। और अच्छा, दूसरा इसमें एक बहुत ही अहम पहलू ये है
कि ये अभी तो जाहिर है किसी जगह तक ये पहुंची नहीं है, और जब तहरीक इंसाफ मसलसल की कोशिश कर रही है कि इस जुडिशल कमीशन को एक इंक्विजिटोरियल या इंक्वायरी कमीशन की शक्ल दी जाए, और पीएमएलएन की मसलसल की कोशिश है, पीएमएलएन और उसके इत्तेहादियों की और जो सपोर्टिव मीडिया है उसकी कोशिश है कि ऐसा ना हो सके, और जो लेटेस्ट कॉमेंट है जस्टिस नासरुल मुल्क साहब के जिसमें उन्होंने कहा कि ये पहले ही इंक्वायरी कमीशन है, ये काम कर रहा है, उससे ये पता चलता है कि जुडिशल कमीशन जो है वो एक दबाव में आ रहा है। तो हम बॉटम लाइन ये है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो सम टोटल ये है कि जुडिशल कमीशन अपने काम को वाइंड अप नहीं कर सकेगा, और ये बात अल्टीमेटली अनवर जहीर जमाली साहब जो कि 9 सितंबर या 10 सितंबर को बनेंगे चीफ जस्टिस, उनके अहद में जाके ये कमीशन शायद अपना काम मुकम्मल कर सके। अब यहाँ जो एक बहुत ही ट्रिकी सूरत हाल है जिसमें मैं चाहूंगा कि सलमान गनी साहब भी कमेंट करें और बाद में कमर दिलशाद जी, बिल्कुल बिल्कुल, कमर दिलशाद साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। नासरुल मुल्क साहब 16 जुलाई को गालबन उनका टेन्योर, 16 अगस्त को टेन्योर उनका कंप्लीट होने जा रहा है, और शायद आपको ऐसा लग रहा है कि इस दौरान में ये जुडिशियल कमीशन जिसे इंक्वायरी कमीशन कहा जा रहा है ये फैसला कोई नहीं कर पाएगी। सलमान साहब आपसे जानना चाहेंगे, आपको लग रहा है सियासी बसीरत भी है आपके पास और आप इन तमाम अफराद से मिलते भी रहते हैं, जिस तरह रोज एक नया इशू रेज हो रहा है, अब आरओज पे बात चली गई है, 40% कहा जा रहा है कि 40% हलकों के अंदर फॉर्म 15 मौजूद ही नहीं है, और उधर के आरओज को तलब किया जाए और उनसे अब इंक्वायरी की जाए, कि इतनी जल्दी हो जाएगा ये? सलमान, मैं डॉक्टर मोहित साहब की बात की ही तायद करता हूँ कि ये मामला समाप्त होने के बजाय फैलता जा रहा है। आप देखें कि जैसे तहरीक इंसाफ के जो पार्टी इलेक्शन का जिक्र किया गया, पहले तो मैं ये बता दूँ कि मुतलका हमारे रिपोर्टर जिन्होंने ये खबर ब्रेक की थी कि जहांगीर तरीन साहब, नादर लगारी साहब, अलीम खान साहब और परवेज खटक साहब, पार्टी ने वो फैसला उन नहीं किया, लेकिन बात यह है कि चले एक बात तो अच्छी है कि तहरीक इंसाफ के अंदर एक एहतसाब का अमल उन्होंने शुरू किया है, और तहरीक इंसाफ अंदरूनी तौर पर भी बहरान से दो चार है और बैरूनी महाज पर भी। देखिए बात यह है कि जब हम जुडिशल कमीशन की बात करते हैं कि एक मुनज़्ज़म धांधली का सिलसिला तहरीक इंसाफ ने साबित करना था, और मुझे याद पड़ता है कि 3-4 इशूज़ ऐसे थे, आपको याद होगा कि उन्होंने कंटेनर पर कहा कि जी एक वीडियो हम सामने लेके आएंगे, वो जजिस का वाला था, इफ्तार चौधरी साहब को उन्होंने टारगेट किया, नजम सेट्टी साहब को किया, 35 पेंचर्स की बात की, लेकिन अब वो सारा इनसार अपने वकील अब्दुल हफीज पीरजादा पे कर रहे हैं। देखिए साबित उन्होंने करना है, लेकिन उन्होंने जो बात की जुडिशियल कमीशन से, उन्होंने कहा कि अब इसे तहकीकाती कमीशन बना दें। मेरा ख्याल ये जुडिशियल कमीशन से तहकीकाती कमीशन और तहकीकाती कमीशन के बाद इलेक्शन कमीशन के बाद सारा कुछ जाएगा, ये मामला हल। लेकिन सलमान, ये बेजाबतियों का एक अमल खुल रहा है, पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहली दफा ये गंद सामने आ रहा है, जिस जिस हल्के में हाथ डाला जा रहा है, यह नहीं कि उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, अगर फॉरम 15 की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा सिंध के अंदर, उसके बाद बलूचिस्तान के अंदर, फिर पंजाब के अंदर और फिर पख्तूनख्वा के अंदर, आज तक चूंकि ये मामला खुले नहीं थे, मैं समझता हूं कि एक तरफ चलिए अच्छी बात है कि जुडिशियल कमीशन का मामला चलाएं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज थोड़ी सी संजीदगी जाहिर करें, वो जो इंतखाबी इस्लाहात इन्होंने करानी थी उसकी मीटिंग्स नहीं हो रही, और अगर ये इंतखाबी इस्लाहात भी साथ साथ करते जा रहे हैं, 25 जुलाई को आपके इस्लामाबाद में बलदियाती इंतखाबात होने हैं, उसके बाद पंजाब में होने हैं, मैं समझता हूं कि शायद इमरान खान साहब की कोशिश ये थी कि किसी तरह जो 11 मई के इलेक्शन हैं उनके इंतखाबी नतीजे को कंट्रोवर्शियल बना दिया जाए, लेकिन उन्होंने उनके नतीजे क्या कंट्रोवर्शियल बनाने थे, उनके तो अपने हल्के निकल गए, कि गुलाम सरवर खान साहब के हल्के के अंदर 90% जो है वो अजाफी जो है बैलेट पेपर्स दिए गए, किसी के 28% है, किसी के 42% है। मैं समझता हूं कि मामलात वाइंड अप होने की बजाय खुलते जा रहे हैं, और जुडिशियल कमीशन, देखिए कौम इसकी तरफ देख रही थी कि शायद बोरान खत्म हो, आपको ये गंद फैलता हुआ नजर आ रहा है, सिमटता हुआ नजर नहीं आ रहा। मैं आपको एक 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 फरीक में देखें डॉक्टर साहब, मैं इस पे थोड़ा सा एक ऐड करना चाह रहा हूँ कि ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये बात और मामला जो है फैलता चला जा रहा है, इसमें तो हमारा इत्तेफाक है, कंसेंसस है, लेकिन एक चीज है जिसका कि हमने इस प्रोग्राम में, ये जो हमारा प्रोग्राम है इस प्रोग्राम में, दुनिया न्यूज के प्रोग्राम में बहुत शुरू से मैं ये कहता रहा हूँ और भी लोग ये कहते रहे हैं कि यहाँ पर एक बुनियादी तजाद और बुनियादी कॉन्ट्रडिक्शन और कॉन्फ्लिक्ट है। यानी पीएमएलएन ने इसलिए एग्री किया जुडिशियल कमीशन में ताकि पीटीआई को सियासी फोल्ड में लाया जा सके, उनको असेंबलियों में लाया जा सके, उनको एक फेस सेविंग दी जा सके, लेकिन साथ ही उनकी कोशिश ये थी कि इसकी टर्म्स एंड कंडीशन इतनी नैरो रखी जाए कि ये एक वाइट वॉश करने वाला एक सेरिमोनियल जुडिशियल कमीशन हो, और तहरीक इंसाफ की शुरू से ये कोशिश थी कि ये कमीशन जिसको सेरिमोनियल तौर पे बनाया है पीएमएलएन ने, इसको एक इंक्विजिटोरियल या इंक्वायरी कमीशन, एक फाल फंक्शनल ताकतवर कमीशन में कन्वर्ट किया जाए। अब मैं समझता हूँ अभी भी वो टसल जारी है और तहरीक इंसाफ मसलसल की कोशिश कर रही है कि इस कमीशन को फैलाया जाए, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी इसका
फाइनल यानी वर्ड नहीं आया, ये ऐन मुमकिन है कि ये कमीशन उतना ना फैल सके जितना कि तहरीक इंसाफ। इसमें एक और फ्रीक को आज तक नहीं छेड़ा गया कि वो जो निगरान गवर्नमेंट बनाई गई थी इंतखाबात के शफाफ अमल के लिए, वो तो कहीं नजर नहीं आ रही। देखे आप इलेक्शन कमीशन पर सारा कुछ डलता जा रहा है, जो हल्का खोल रहे हैं वहां से गंद निकल रहा है, वो जो शफाफ इंतखाबात के लिए निगरान हुकूमत बनाई गई, लोगों को तो शायद प्राइम मिनिस्टर का नाम भी याद नहीं होगा, वो फ्रीक कहां गया है सारी सूरत हाल में? नहीं, तमाम फ्रीक की बात बिल्कुल डॉक्टर साहब जरूर करेंगे। कुंवर दिलशाह साहब साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, हमें ज्वाइन किया। कुंवर साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। कुंवर साहब एक नहायत अहम मामला है जो मेरे जहन में भी सवाल है और मुसलसल ये सवाल हमारे पास रेज भी हो रहा है। के आगा साहब जो मामिन के तौर पर हैं इस इंक्वायरी कमीशन के, उनका यह कहना है कि उन्होंने बहुत से गोदामों का विजिट किया है जहां जो हल्कों के बैलेट पेपर थे उनकी सीलें तक टूटी हुई हैं और कुछ जगहों पर तो रस्सियों से उन्हें बांधा गया है। आखिर ये किस इदारे की जिम्मेदारी है? असली तौर पर तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही की जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसरान और तमाम पोलिंग स्टाफ इलेक्शन कमीशन का सामने जो आते हैं। अब ये जो सूरत हाल आपके सामने आ रही है तो ये एक बड़ी एक, जैसे हमारे दोस्तों ने सलमान गनी साहब ने भी कह दिया है, तो मैं उसको आगे बात को आगे बढ़ाते हुए कहूँगा तो बहुत बड़ा पिंडोरा बस खुलता जा रहा है। अब ये 12 रिटर्निंग ऑफिसरान को तलब करना और उनसे ये मालूम करना कि आपने जो एक्स्ट्रा बैलेट पेपर जो है उसका क्या इस्तेमाल किया, तो ये बहुत बड़ा इशू है। इस फॉर्म 15 जो है ये बहुत अहम डॉक्यूमेंट है और ये हमारी इंतखाबी तारीख में पहली मरतबा फॉर्म 15 को इतनी बड़ी ज्यादा अहमियत दी गई है। हमेशा कभी किसी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में किसी इलेक्शन में फॉर्म 15 का जिक्र नहीं आया, वो फॉर्म 14 और 16 का जिक्र आता है। तो इन हालात को अगर हम देखें तो यही मालूम हो रहा है कि अगर कवर दिलशाद साहब मोई पीर ज्यादा बोल रहा हूँ मैं, एक आपसे पता नहीं कितना टाइम अभी रह गया ब्रेक से पहले, लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि फॉर्म 15, पहली बात ये समझाएं हमारे व्यूअर्स को कि फॉर्म 14 तो जाहिर है हर पोलिंग स्टेशन का एक फॉर्म 14 होता है, क्या हर पोलिंग स्टेशन का एक फॉर्म 15 भी होता है? उतने ही फॉर्म 15 होते हैं जितने फॉर्म 14 होते हैं? उतना ही फॉर्म डॉक्टर साहब, बात यह है कि फॉर्म 15 के एक ऐसा है जो कि पोलिंग स्टेशन की डेली जो उसकी बकायदा उसका प्रोसीजर होता है कि आपके सीरियल नंबर के मुताबिक कितने बैलेट पेपर दिए गए, जो इस्तेमाल शुदा बैलेट पेपर है उनकी क्या सीरियल नंबर है और जो इस्तेमाल नहीं हुए उनका भी सीरियल नंबर दिया जाता है, फिर टेंडर वोट किस तरह इस्तेमाल हुए जैसे कि वो भी उसका भी सीरियल नंबर दिया जाता है, इसके साथ साथ जो चैलेंज वोट है उसका भी सीरियल नंबर दिया जाता है और तमाम जमा करने के बाद फिर वो अंदाजा लगाते हैं कि पोलिंग स्टेशन पर कितने बैलेट पेपर इस्तेमाल हो गए। जी कुंवर दिलशाह साहब आपके जवाब में भी तश्नगी है, अभी हम मजीद जाना चाहेंगे फॉर्म 15 आखिर इतना अहम क्यों है और वो इलेक्शन 2013 में ही क्यों है, इससे कबल कभी ये फॉर्म 15 का जिक्र नहीं हुआ, क्या इसकी एग्जिस्टेंस इससे पहले नहीं थी? इसी अहम मौजू पर आपसे दोबारा बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं, एक बार फिर से गुफ्तगू के सिलसिले को वहीं से जोड़ेंगे। कंवर दिलशाह साहब हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। कंवर दिलशाह साहब एक बार फिर से आसान अल्फाज में बता दें नाजरीन को कि फॉर्म 15 क्या चीज है और सिर्फ 2013 के इलेक्शन में ही इसकी अहमियत थी, क्या इससे पहले नहीं? और उसके बाद डॉक्टर साहब ने जो सवाल किया था उसको भी रेज कर ले प्लीज। इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि ये मैं जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान के इलेक्शन की तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि फॉर्म 15 की इतनी ज़्यादा अहमियत दी गई। पहले तो ये फॉर्म एक साइलेंट की फैक्टर जैसी रखता था, हालांकि ये जो हमारा अवामी नुमाइंदगी एक्ट है उसका सेक्शन 38 में ये इसका जिक्र किया हुआ है कि प्रेजाइडिंग ऑफिसर जो ही वो जो है फॉर्म 15 तैयार करेगा और 15 फॉर्म ये होता है कि उसमें बैलेट पेपर ये इसका बाकायदा ये बैलेट पेपर का अकाउंट का एक फॉर्म है कि कितने बैलेट पेपर इसमें आपको तकसीम दिए गए, बैलेट पेपर इस्तेमाल कितने हुए और इसके बाद बैलेट पेपर जो है अनयूज गैर इस्तेमाल शुदा बैलेट पेपर की तादाद कितनी है और इसके साथ साथ टेंडर वोट चैलेंज वोट उनकी तादाद कितनी है, इसके बाद सबको जमा करने के बाद ये अंदाज़ा होता है कि लिखना कि ये इसको पैक जो मैच करना चाहिए कि बैलेट पेपर कितने दिए गए और इस्तेमाल और गैर इस्तेमाल शुदा के बाद कितने बैलेट पेपरों की आपस में गिनती एक जैसी होनी चाहिए और गैर इस्तेमाल शुदा बैलेट पेपर्स को वापस भी करना जिम्मेदारी है। जी सलमान कवर दिलशाद साहब, मेरा ये ख्याल है कि इसको आसान अगर हम जुबान में समझें कि चूंकि ये पहला इंतखाब है जिसमें एक्स्ट्रा बैलेट्स का इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया गया है एक बड़ी सियासी जमात के तौर पर, सारी तहकीक और इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी हो ही इस चीज पे रही है कि एक्स्ट्रा बैलेट कितने प्रिंट हुए, क्यों प्रिंट हुए, कैसे इस्तेमाल हुए, कितने अनयूज रहे, इसलिए फॉर्म 15 जो है वो पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में इतनी शदीद अहमियत इख्तियार कर गया।
कमर साहब ये भी बता दें कि अजाफी बैलेट पेपर्स कितने एक पोलिंग स्टेशन पे मुहैया किए जा सकते हैं? अगर कोई 1210 अगर मैं तो और जगह से निकालना है वो तो 1300 का जो है वो बैलेट पेपर में 100 का नंबर होता है। कुंवर दिलशाह साहब आपकी आवाज इतने मुनासिब तरीके से नहीं पहुंच रही है, आप एक बार फिर आपको डायल करते हैं, आपको दोबारा लाइन पे लेते हैं। एक बार फिर से डॉक्टर साहब आपसे बात करूंगा। डॉक्टर साहब ये मामला यही नहीं है, पीटीआई ये कह रही है इंक्वायरी कमीशन में कि 35 हलकों की तहकीकात की जाए और स्पेशली मुस्तरद वोटों की तादाद और उनको उनकी जो लिस्ट है वो चाहिए, क्योंकि ये मुस्तरद वोट उन हलकों में जहां पीटीआई हारी है ज्यादा है, क्योंकि हार जीत का जो मार्जिन है ये मुस्तरद वोटों पर काफी बेस कर रहा है। इसका क्या मतलब लेंगे आप? अच्छा सलमान, एक तो चीज की वजाहत बड़ी जरूरी है क्योंकि इसको बार बार दोहराया जाता है मुख्तलिफ हलकों की तरफ से। देखिए कौन जीता है कौन हारा है इसकी अहमियत कम है, यानी अगर किसी ऐसे हलके में भी फॉर्म 15 की बेकायदगियां हैं या वहां पे फॉर्म 15 मौजूद नहीं है, उसका रिकॉर्ड नहीं मिल रहा जहां पे पीटीआई जीती है या जीत चुकी है, चाहे थोड़े मार्जिन से जीती है या ज्यादा मार्जिन से जीती है, इससे ये साबित नहीं होता। बिकॉज ना तो पीएमएलएन इलेक्शन करा रही थी डायरेक्टली, यानी डायरेक्ट तरीके से, तो ना वो उसके जिम्मेदार हैं, वो कहते हैं कि इंटरिम गवर्नमेंट ने करवाया, और पीटीआई तो जाहिर है एक ऑपोजिशन थी, एक ऐसी ऑपोजिशन जिससे कभी हुकूमत में रही ही नहीं है, तो उसका असर रसूख हो भी नहीं सकता था इलेक्शन कमीशन पे। यहां तो बात यह है कि बेकायदियां किस हद तक हुई हैं। अगर 40% में, जैसा कि अखबारात रिपोर्ट भी कर रहे हैं, हमारे टेलीविजन चैनल भी कह रहे हैं कि 40% फॉर्म 15 जो है वो नहीं मिल रहा, पहले 20,000 का फिगर दिया गया था, और अगर 66,000 टोटल फॉर्म 15 है तो वो बताते खुद 1/3 जो है वो बन जाता था 20-25%। 22,000 के करीब बड़ी डॉक्टर साहब, 22,000 के करीब जो फिगर आया है, देखिए ना, मतलब मैं समझता हूं कि अगर टोटल फिगर 66,000 था, यानी टोटल फॉर्म 15 66,000 होने चाहिए थे और उसमें से 22,000 जो है वो मिसिंग है, तो ये बजाते खुद एक बहुत ही बड़ी इररेगुलरिटी है। मुझे लगता है कि पीएमएलएन ने टर्म्स एंड कंडीशन में ये रखा था कि जी पीएमएलएन का साबित होना चाहिए कि हम मुनजम धांधली इस तरह से हुई कि उसका फायदा पीएमएलएन को हुआ। शायद ये चीज कभी भी एक फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में साबित ना हो सके। जो चीज साबित हो रही है वो ये है कि इंटरिम हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट और क्रेडिबल एक ऐसा इलेक्शन जिसकी की अहमियत हो उसे कराने में वाजे तौर पे नाकाम रहे हैं और वहां बहुत बड़ी बेकायदियां हुई हैं। वो बेकायदियां क्यों हुई हैं, वो किसने कराई हैं, उसके पीछे कोई सियासी ताकत थी, कोई एडमिनिस्ट्रेशन थी, शायद उसका फैसला ना हो सके, लेकिन 2013 का जो इंतखाब है उसकी क्रेडिबिलिटी आहिस्ता आहिस्ता बहुत कम होती नजर आ रही है। डॉक्टर साहब आपकी बात को मैं बढ़ाऊंगा, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि उस वक्त की निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन नाकाम रहे एक शफाफ इलेक्शन करवाने में। आज तो आप देखें ना कि पख्तूनख्वा के अंदर खुद तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है और फिर इलेक्शन कमीशन ने वहां पर बंदोबस्त करने में नाकाम रहा। मैं समझता हूं कि इस सारा मामला जो है खुद सारी सियासी जमातों के आगे एक सवालिया निशान खड़ा है। देखिए अब ये जो 12 हलकों के आए हैं उसमें सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही नहीं है, उसमें पीपल्स पार्टी भी है, तहरीक इंसाफ भी है, खुद जमात इस्लामी के एक रुकन साहबजादा तारकुल्ला उनका नाम भी है। मैं समझता हूं कि ये मामला जूं-जूं खुलता जाएगा ये गंद बाहर आता जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहली दफा एक जुडिशियल कमीशन बनाए और इस सारी सूरत हाल में खैर का पहलू निकालने की कोशिश करनी चाहिए कि आपका इलेक्शन कमीशन से खैर का पहलू कहीं नजर नहीं आ रहा, कि ये मामला समअप होता भी कहीं नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा। और बात यह कि ये इमरान खान साहब, देखें ये उनका प्लस पॉइंट कह लें या नेगेटिव पॉइंट कह लें, वो हर आने वाले दिन के अंदर एक नया इशू सामने लेके आते हैं। इसके उनका मतमे नजर यह है कि किसी तरह जो 11 मई के इलेक्शन हुए हैं उसे कंट्रोवर्शियल बना दिया जाए। इसमें सिर्फ मुस्लिम लीग नून का नुकसान नहीं होगा, इसमें तहरीक इंसाफ का भी नुकसान होगा। ये तो नहीं हो सकता कि जी पंजाब में दांधली हुई, आप देखें कि सबसे ज्यादा जो मिसिंग है फार्म 15 वो तो सिंध में है, बलोचिस्तान में है, उसके बाद पंजाब की बारी आ रही है। मैं समझता हूं कि पार्टीज के अंदर भी मुशावरती अमल होना चाहिए। पार्टीज में अगर जमाती इलेक्शन पे आप इंसाफ करवा रहे हैं तो इस मामले में भी देखें हालात जाएंगे किधर। जी सलमान साहब, सिंध से ताल्लुक है तो नादिर लगारी साहब, डॉक्टर साहब नादिर लगारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पीटीआई के अहम रहनुमा है और आज उन सरों में शामिल है जिसके सिलसिले में जस्टिस वजीदीन ने आज रिमार्क्स पास किए हैं जो नहायत अहमियत है। उन्हीं से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर। एक इलेक्शन ट्रिब्यूनल का क्याम हुआ था जो जस्टिस वजीरुद्दीन की सरबराही में आज फैसला हुआ, ऑल दो के पार्टी क्यादत जो है वो इस ट्रिब्यूनल के क्याम को किसी तौर पर भी नहीं मानती, गलत तसव्वुर करती है, लेकिन कई अफराद का जिक्र आया, आज फैसला सामने आ गया जिसमें परवेज़ खटक साहब, अलीम खान, जहांगीर तरीन, नादिर खान और नादिर लगारी जो पीटीआई के रहनुमा है सिंध से इनका ताल्लुक है। इस वक्त नादिर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद है। नादिर लगारी साहब, ये अजीब दौराहे पे है पीटीआई,
पार्टी के अंदर भी मुसीबत और बाहर भी झेल रही है? देखिए, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और ये हमारे लिए एक लम्हा फिक्र है। हम तो मुल्क को तब्दील करने के लिए निकले हैं और अगर ये हमारे हालात होंगे कि हम अपनी चीज़ों को ही नहीं संभाल सकते, एक ट्राइब्यूनल जिसको ख़त्म कर दिया गया, आज ने ख़त्म किया, इसको ख़त्म किए हुए महीनों हो गए, वो चले चले जा रहा है, वो रुकता ही नहीं है, तो चेयरमैन की अथॉरिटी कहाँ है? वो किस तरीके से उस अथॉरिटी को यूज़ करेगा? अगर वो ये अथॉरिटी हमारी यूज़ नहीं होगी और उसकी अथॉरिटी नहीं है तो फिर हम बड़ी चीज़ों को किस तरीके से तब्दील करेंगे? और मैं समझता हूँ कि वजी साहब जो हैं उनको भी कुछ देखना चाहिए था कि पार्टी का बेड़ा गर्क कर रहे हैं बाहर निकल के। वैसे भी आपको मैं बताऊं कि मैं कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन अगर वो दूसरे के बारे में गलत बयान ही करेंगे तो फिर हमारे लिए भी ये बन जाता है कि जिस एज के दौराए पे हैं, ये तो रिटायरमेंट की एज है, आपने वो उठा के आपको रोका है, आप कह रहे हैं मैं रुका हुआ नहीं हूँ। मतलब किसी एंगल से इसकी रिफ्लेक्शन अच्छी नहीं जा रही पाकिस्तान। नादर लगारी साहब, ये बताएं कि फिर वजीहुद्दीन साहब किसके इशारे पे काम कर रहे हैं? देखिए जी, मैं ये बात गलत होगी कि मैं किसी के बारे में कहूँ कि वो किस इशारों पे काम कर रहे हैं। मुझे तो लगता है उनको इशारे की समझ नहीं आती। बात ये है कि इन माई वेरी हम्बल ओपिनियन, आई थिंक देयर इज एक अजीब सी सूरत हाल है जहाँ आप अपनी पार्टी को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। आप पार्टी के अंदर वो चीजें करने भाई साहब, वही पीरजादा बोल रहा हूँ, आखिर वजीहुद्दीन का आपके साथ मसला है क्या? आपके और जहांगीर तरीन पे इतने संगीन इल्जाम वो लगा क्यों रहे हैं? देखें, पहली बात तो ये है कि मेरे पे कोई उसका इल्जाम नहीं है, गलत बयानी कर रहे हैं वो। मेरे इन्होंने एक इलेक्शन ट्राइब्यूनल बनाया था और जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल बनाया था, अगर आप सही तरीके से, अगर आज मैं क्योंकि खुल के बोल रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि मैं खुल के बात करूँ क्योंकि मुझे कोई जरूरत नहीं है कि मैं भी अपने वर्ड्स को मिंस करूँ। एक ट्राइब्यूनल इन्होंने बनाया था जिन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के अंदर जो मसाइल पैदा हुए थे उनको ठीक करने के लिए। पहली तो बात यह कि वो मसाइल किसने पैदा किए थे? वो खुद ऊपर सेंट्रल पार्टी ने पैदा किए थे। नंबर दो बात यह है कि जब वो पैदा हुए तो उस वक्त उन्होंने जब इलेक्शन हो गया उसके दो महीने बाद का टाइम दिया था कि दो महीने के अंदर अंदर गवर्नर नवीद साहब बैठे हैं। इलेक्शन का एक प्रोसेस होता है, एक टाइम फ्रेम होता है जिसके अंदर अगर आपने किसी के खिलाफ कोई एप्लीकेशन देनी है, ये टाइम बार्ड एप्लीकेशन को ला के और जो भी सूरत हाल थी उसके ऊपर उन्होंने अपना एक कार्रवाई शुरू कर दी। पहले उन्होंने कहा कि इलेक्शन जो होंगे वो होंगे आपके पोलिंग एजेंट्स बनेंगे, उसके बाद उन्होंने बना दिया कि जी हम टेलीफोन के ऊपर हमारा एसएमएस जाएगा। वो टेलीफोन के ऊपर एसएमएस की सूरत हाल ये थी कि एक एक वोट के ऊपर, यानी एक वो आपने वो वोट दिए यानी रजिस्टर किए नहीं टेलीफोन, एक वोट के ऊपर एक आदमी डिस्ट्रिक्ट का प्रेजिडेंट बन रहा था, कसूर इनका अपना। उसके बाद उन्होंने वो पूरी प्रोसेस शुरू किया और जब प्रोसेस शुरू हुआ तो आपकी लगाई साहब आप कह रहे हैं कि कसूर इनका अपना, आपका इशारा किसकी जाने में कि पार्टी को तजलील की तरफ लेके जाया जा रहा है? आपका इशारा वजीहुद्दीन साहब की तरफ है या किसी और सेंट्रल कमांड की तरफ? मैं देखें, मैं बिल्कुल नहीं ये कहूंगा। और किसके बारे में? आपकी एक आप एक ट्राइब्यूनल बनाते हैं, आप वो ट्राइब्यूनल बना के उसको खत्म करते हैं, वो भी नहीं होता। आप एक चीज को, इलेक्शन का प्रोसेस होता है उसको आप, अगर आप उस पूरे प्रोसेस को खराब करेंगे, यही कहीं ना कहीं आप इशारा इमरान खान की तरफ ही कर रहे हैं कि कमजोरी उनकी जानिब से है। देखिए, मैं आपसे इस वक्त जो बात कर रहा हूँ ना, कि मैं बिल्कुल फ्रैंकली बात कर रहा हूँ, इमरान खान ने तो डायरेक्शन दी थी, बाकी लोगों ने जिन्होंने ये पूरा प्रोसेस बनाया था उनके साथ आई थिंक ये ज्यादा बात। नादर खान फिर ये बताएं कि ये आम इलेक्शन गुस्सा, नादर खान ये बताएं कि आम इलेक्शन से पहले ये जो जमाती इलेक्शन है इससे जमात मजबूत हुई है या कमजोर हुई है? देखिए, अगर तो अगर सच बात करें कि अगर इसको प्रॉपर तरीके से किया जाता तो मैं समझता हूँ जमात मजबूत होती है जब आप एक इदारा बनाने जाते हैं। लेकिन यहाँ इदारा बनाने की कोशिश नहीं है, यहाँ विच हंटिंग है। यहाँ पर अगर किसी का नाम लिगारी है तो वो उसको कहा जाता है कि ये ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन है। मतलब मुझे प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि आपकी जहाँ पीएमएलएन पे ये इल्जाम है कि वो ओवर कंट्रोल पार्टी है, वहाँ पर तहरीक इंसाफ एक कायोटिक पार्टी लग रही है। लोकल बॉडीज का जो इंतखाबात खैबर पख्तूनख्वा का है वहाँ पर भी लगता है कि आपने आजादी पुलिस की बात तो की है, लेकिन आपका सिरे से कंट्रोल ही कोई नहीं है, जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कहते हैं, या एक आखिरकार एक फर्मनेस तो चाहिए ना। नवाज शरीफ साहब पे हम कितना ही इल्जाम क्यों ना लगाएं, एक चीज तो है कि उनका एक फर्म कंट्रोल है पार्टी के ऊपर भी और मुल्क के ऊपर भी, वो फर्म कंट्रोल एक्सरसाइज करते हैं। आपकी पार्टी तो बेसिक ढीली डारी किस्म की पार्टी लग रही है।
देखिए जी, मैं आपके साथ इस बात पे कहीं से भी मेरा डिनाइल नहीं होगा। मैं ये बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ कि आपको एक स्ट्रॉन्ग तरीके से अगर आपने मुल्क भी चलाना है तो वो मुल्क आप ऐसे नहीं चला सकते कि आप मुल्क को जिधर जो खींचता जाए उस डायरेक्शन में आप चलते जाएं। आपके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, आपको उस तरीके से अपने मुल्क को चलाना होता है। सिमिलरली मैं समझता हूँ कि पार्टी को असूलों पर चलाना होता है, और जब आप पार्टी को असूल पर चलाते हैं उस पार्टी की बेसिस के ऊपर आपको स्टेप्स लेने होते हैं और आपको इन्फोर्स करना होता है अपना डिसीजन। अगर आपका डिसीजन ही इन्फोर्स नहीं हो रहा तो मुझे तो समझ नहीं आ रही कि क्या इज दिस डाइकोटमी, इज दिस लैक ऑफ करेज, व्हाट इज इट। तो इस पूरे प्रोसेस में मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग आई फील कि ये पार्टी को भी डैमेज किया गया। एक आदमी जिसकी कोई हैसियत नहीं थी, क्योंकि वो थे दलित, मेरी उर्दू इतनी शायद अच्छी ना हो, वो उसको आपने खत्म कर दिया था, जुडिशियल कमीशन उनकी जो ट्राइब्यूनल था, उसके बाद वो लगे हुए, वो अभी भी कह रहे हैं 29 तारीख को एक और हेयरिंग करूंगा, फिर मैं किसी और को चला जाऊंगा। बहुत शुक्रिया नादिर लगारी साहब। नादिर लगारी साहब बड़े दिलेराना तरीके से पीटीआई के सिलसिले में बता रहे थे कि ये आखिर मामला खराब किस जगह पे हुआ। उनका ये कहना था कि आला तरीन इंतजामिया भी इसमें जिम्मेदार है। तो देखे, दो तीन बातों पर इमरान खान ने इनिशिएटिव लिया था कि पार्टी के अंदर इलेक्शन करवाए थे तो सूरत हाल ये बन गई। फिर आप देखें कि पख्तूनख्वा के अंदर उन्होंने जुरत की, वहाँ पर बलदयाती इंतखाबात करवाए, वो उल्टे उन्हें पड़ गए। देखें, पार्टीज के अंदर जब तक डेमोक्रेसी नहीं होगी पार्टीज स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी। पाकिस्तान का बड़ा सियासी अलमिया ये रहा है कि जमहूरियत की बात की जाती है लेकिन पार्टीज के अंदर इलेक्शन नहीं करवाए जाते, लेकिन जब जो सूरत हाल तारी होगी, और नादिर खान लगारी जो बात कह रहे थे, मेरे ख्याल में जो तहरीक इंसाफ का बड़ा अलमिया है वो पार्टी के अंदर है, पार्टी से बाहर नहीं। देखे, इमरान खान इश्यूज की बात करते थे, पाकिस्तान के नौजवानों को उनकी बात अपील करती थी, आज उनका बहरान जो है वो पार्टी के अंदर है, और पार्टी के अंदर के जो इख्तलाफात है इसकी वजह से उनकी सियासत मुतासर हो रही है, इसलिए वो जुडिशियल कमीशन के महाज पे ज्यादा अग्रेसिव नजर आ रहे हैं। ब्रेक का वक्त है, और ब्रेक से पहले एक शॉर्ट वर्डिक जाना चाहूंगा आपका, डॉक्टर साहब आपका, आप समझते हैं कि पीटीआई एक वक्त में काफी महाजों पर है और कमजोर है? देखिए, एक तो पीटीआई की इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन को बहुत स्ट्रांग नहीं है, ये बात बड़ी वाजे नजर आती है। इसके मुकाबले हम देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको अपनी पार्टी मशीन पे बहुत फर्म कंट्रोल है, लेकिन शायद उनकी पार्टी डेमोक्रेटिक नहीं है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा हमें एक बहुत बड़ा तजाद नजर आता है पाकिस्तानी सियासत का। अगर एक पार्टी जमहूरी बनना चाहती है तो फिर आप उसको अंदरूनी तौर पे कमजोर कर सकते हैं, अगर पार्टी डिक्टेटोरियल तरीके से चलती है जैसे पीएमएलएन है तो वो एटलीस्ट डिलीवर कर सकती है। ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है इमरान खान के लिए कि उनकी पार्टी जो है उनके ऊपर उनको कंट्रोल हासिल नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में भी हमें यही एक प्रॉब्लम नजर आ रहा है, और यहाँ पर जो जस्टिस वजी हैं जिनको के बेसिकली तौर पर उनका फंक्शन खत्म हो गया है, वो स्टेटमेंट दिए चले जा रहे हैं, अब इमरान खान कुछ कर नहीं सकते। तो ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है, बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि इमरान खान की ग्रिप इतनी मजबूत नजर नहीं आ रही पीटीआई और उसके मामला के सिलसिले में। यहाँ एक वक्त हुआ एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद बात करेंगे इलेक्शन ट्रिब्यूनल की। जी हाँ, हल्का 122 के सिलसिले में मामला बहुत करीब आ गए, किस तरह से देखते हैं हमारे पैनलिस्ट इस सिलसिले में, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हल्का 122 का मामला काफी पेचीदा हो रहा है। 17 तारीख दी गई है, इमरान खान के वकील और अयाज सादी के वकील अपने वर्डिक्स को सम अप करेंगे, लेकिन नादरा की एक सप्लीमेंट्री रिपोर्ट है जो तवज्जो तलब है क्योंकि उसको कोई ओन नहीं कर पा रहा। यह जानना जरूरी है कि नादरा क्यों एक पाकिस्तान की रियासत का एक ऐसा इदारा है जिस पर हमेशा एक क्वेश्चन मार्क बनता है, क्लेरिफिकेशन ही देता रहा है, किसी की मदद करे तब भी, ना मदद करे तब भी। आपके वर्डिक्स लेना चाहूंगा डॉक्टर साहब। जी, मैं बस ये कमेंट करना चाह रहा हूँ, बड़ा एक इंपॉर्टेंट कमेंट है व्यूअर्स के लिए। देखिए, एनए 122 की जो सप्लीमेंट्री रिपोर्ट है उसने नादरा को बहुत बड़ी एक पॉलिटिसाइजेशन में फंसा दिया है। फ्राइडे को जुमे के दिन इंटीरियर मिनिस्टर जनाब चौधरी निसार साहब नादरा तशरीफ ले गए नादरा के हेडक्वार्टर्स में, जहाँ उन्होंने सारे जो टॉप एग्जीक्यूटिव थे उनसे उन्होंने खिताब किया। उसमें उन्होंने कहा जी कि ये चेयरमैन के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा हो रहा है मुबीन उस्मान साहब के खिलाफ कि ये एक पॉलिटिकल अपॉइंटी हैं और पॉलिटिसाइज्ड हैं, ये बिल्कुल गलत है, और ये एक प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट है, उनको मेरिट पे अपॉइंट किया गया था। उसका बैकग्राउंड ये है कि नादरा के स्टाफ जो है वो मुसलसल एचआर के इशू के ऊपर, ट्रांसफर पोस्टिंग और प्रमोशन के इशू के ऊपर जो है लिटिगेशन भी हो रही है, बहुत से ऑर्डर भी आ चुके हैं और उनके खिलाफ मुजाहरे और हड़तालें भी हो रही हैं। और 17 तारीख को जब एनए 122 की मजीद प्रोसीडिंग होगी तो 17 तारीख को नादरा जो है वो पूरे मुल्क में उसकी एक हड़ताल भी होगी। तो नादरा की इंटरनल मैनेजमेंट जो है वहां बड़े सवाल उठ गए हैं,
और इसमें कोई शक नहीं है। चेयरमैन जहां चौधरी निसार साहब जब गए तो उन्होंने कहा कि ये पीटीआई वाले, यही चीज जो है ये नादरा के स्पोक्स पर्सन का जो आपने अखबारात में देखा कि एक दिन पहले उनका एक पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस रिलीज हुई थी जिसमें उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि तहरीके इंसाफ जो है वो नादरा को पोलिटिसाइज कर रही है, उसके चेयरमैन को भी पोलिटिसाइज कर रही है। यहां तक बात इसमें बड़ी लॉजिकल समझ आती है कि चूंकि एक अर्बन ऑर्गेनाइजेशन है तो तहरीके इंसाफ की सिंपथी वहां पाई जाती होगी और वो भी उसकी सियासत में अपनी डोई जो है वो मार रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो चेयरमैन के मुखालिफिन हैं नादरा के अंदर और वो लोग उनके हरीफ हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि उनकी अपॉइंटमेंट थी ही बड़ी पोलिटिसाइज क्योंकि 2002 के अंदर मुखालिफिन का कहना है कंप्लीट किया। डॉक्टर साहब ये मुखालिफिन का कहना है चेयरमैन के मुखालिफिन, मैं इस पे बड़ी रिसर्च करता रहा हूं कि मतलब मैं कह रहा हूं ना कि दोनों पॉइंट्स हमें देखने पड़ेंगे। एक तो ये है कि तहरीके इंसाफ यकीनी तौर पर वहां सियासी तौर पर मुदाखलत कर रही होगी बिकॉज वो समझ रही है कि नादरा को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, एक बड़ा फाल फंक्शनल इदारा है और उसकी एक पोलिटिकल पॉस्चरिंग है। दूसरी तरफ यह है कि वहां पर यह भी खप है कि इनकी जब अपनी अपॉइंटमेंट हुई 2002 में, जब इनको लगाया गया डायरेक्टर टीएनडी लगाया गया ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, तो उस वक्त ब्रिगेडियर सलीम मोइन जो थे उनके ये नेफ्यू थे, यानी उनके चचा जो थे वो चेयरमैन नादरा थे। फिर इनकी बड़ी रैपिड यानी जो हुई प्रमोशंस हुई टेक्निकल 9 से टेक्निकल 10 और फिर टेक्निकल 11 में, और जब इनको चेयरमैन लगाया गया तो वो भी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग थी क्योंकि उमर सैफ जो थे उनको चेयरमैन लगाने के लिए एडवर्टाइजमेंट जो है वो बनाया गया, और जो 140 एप्लीकेंट ने अप्लाई किया नादरा के चेयरमैन के लिए उसमें सिर्फ 4-5-6 ही, यानी एग्जाम में टॉपर नहीं थे, टेस्ट में टॉपर नहीं थे ये क्या? नहीं देखें ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, यही वो मैं वही समझा रहा हूँ कि 4-5 लोग ही, यानी एडवर्टाइजमेंट ऐसा बनाया गया नेशनल कमीशन की तरफ से जिसको चेयरमैन जिसको प्राइम मिनिस्टर ने अपॉइंट किया था नेशनल कमीशन को, कि जिसमें नादरा के अपने सिर्फ 4-5 एम्प्लॉय ही आ सके उस एडवर्टाइजमेंट की बुनियाद पर। लेकिन जब बाकी सारे लोग आउटसाइडर्स थे, 140 एप्लीकेंट थे, लेकिन जो शॉर्टलिस्ट हुए वो 3 नादरा से शॉर्टलिस्ट हुए जिसमें उमर सैफ थे, एक कर्नल तलहा थे और मुबीन उस्मान थे। अच्छा, उमर सैफ जो थे वो सियासी कॉन्ट्रोवर्शियल हो गए, उस वक्त भी उनपे सबसे बड़ा इल्जाम जो था वो चूंकि तहरीके इंसाफ की तरफ से और इमरान खान की तरफ से आ रहा था, वो पोलिटिसाइज हो गए और मुबीन उस्मान को बनाया गया। लेकिन मुबीन उस्मान पे मसलसल इल्जाम ये चल रहा है कि वो अयाज सादिक साहब के साहिबजादे जो डॉक्टर अली सादिक हैं उनके वो बड़े गहरे दोस्त हैं और उनके साथ उनके बड़े रवाबित हैं। तो मगर डॉक्टर ये मुबीन उस्मान साहब से मुतल्लिक कहा जाता है कि पीटीआई से भी खास तौर पर इसकी अप्रूवल ली गई थी, उनके सामने भी ये प्रपोजल दिया गया था, उनकी अप्रूवल के बाद ही नहीं रखा गया। देखिए इसकी डिटेल चेक करने की जरूरत है कि वो किस तरह का अप्रूवल था, क्योंकि जो 3 लोग शॉर्टलिस्ट हुए थे उसमें कर्नल तला थे, एक उमर सैफ थे और मुबीन उस्मान थे। तो उस वक्त अब ऑप्शन जब प्रोसेस एक ऐसे लेवल पे पहुंच गया कि जब उमर सैफ नॉकआउट हो गए, डॉक्टर साहब दोस्त कह रहे हैं कि 3 ही नाम थे जो आपने कहा ना अप्रूवल ली गई है। देखिए अप्रूवल तो आपने जस्टिस फखरुद्दीन जी इब्राहिम की भी ली थी इमरान खान साहब से, इफ्तिखार चौधरी साहब के बारे में खान साहब ये कहते थे कि अगर वो बहाल ना हुए तो इसके असरात पाकिस्तान की सलामती पे होंगे। मौजूदा चीफ जो आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर है जस्टिस रजा, उनके बारे में भी उन्होंने बड़ी पॉजिटिव राय दी थी। देखिए वो राय बदलते रहते हैं, अपना मौकफ बदलते रहते हैं। मैं इसलिए कहता हूं कि ये जो आपने NA-122 की बात की है, इसी माह का जो तीसरा हफ्ता है फैसले के हवाले से अहम है। आपने कहा कि सप्लीमेंट्री रिपोर्ट को कोई ऑन नहीं कर रहा, नादरा तो उसे ऑन कर रही है, और उनका ये कहना है जी कि दोनों के वकला ने कहा था तो मैंने ये रिपोर्ट बनाई है। तो ये रिपोर्ट जो है इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो बात है सप्लीमेंट्री रिपोर्ट पे इसलिए फैसला नहीं किया है कि इसको उस फैसले के साथ मशरूत कर दिया। सप्लीमेंट्री पे एक क्वेश्चन है, मैंने कुंवर रजा साहब से बात करनी, उससे पहले एक छोटे से वर्डिंग आप लेना। सप्लीमेंट्री रिपोर्ट से मुतल्लिक ये है कि पीटीआई और नून लीग की जानिब से क्वेश्चन फ्लोट किया जा रहे थे चेयरमैन नादरा को, चैंबर में जज के चैंबर में जब उनसे ये क्वेश्चन सामने दिए गए तो उन्होंने कहा ऐसा करें कि ये रिटर्न मुझे दे दें ताकि मैं आपको इसका रिटर्न जवाब दूं। चेयरमैन नादरा ये कह रहे हैं ताकि इसका मैं रिटर्न जवाब दूं, आपके भी रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाए, मेरे भी रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाए। और अब पीटीआई ये कहती है कि हमने इस तरह का कोई क्वेश्चन दिया ही नहीं, ये जरूरत ही नहीं। उनके वकील जो है वो इस बात से मुनरफ हो गए, लेकिन बात यह कि नादरा को तहरीके इंसाफ ने टारगेट करना है, ये मैं आपको आज बता दूं। देखिए ये जो डॉक्टर साहब भी जो इशारा दे रहे थे वो यही दे रहे थे, फैसला इस के तीसरे हफ्ते में आ रहा है, फैसला इंपॉर्टेंट होगा हर हवाले से, पाकिस्तान के जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है उसके हवाले से अहम होगा। लेकिन मैं ये समझता हूं कि बहुत सारे बुरान चल रहे हैं सलमान, ये जुडिशियल कमीशन ही नहीं, आप देखेंगे खुद इमरान खान साहब ने पख्तूनख्वा में भी कहा जुडिशियल कमीशन, खुद उनकी पार्टी के अंदर एक कमीशन है। मैं समझता हूं कि जो मसाइल का सियासी हल होता है वही देरपा होता है, सियासी तर्ज अमल से आप मामला बेहतर बना सकते हैं। मैं समझता हूं कि जुडिशियल कमीशन का फैसला आएगा, देखें उसमें मुनज़्ज़म धांधली हुई है या नहीं हुई ये तो साबित हो जाएगा, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को अगर पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी चलानी है तो फिर सियासी तर्ज़ अमल अख्तियार। कुंवर साहब माजरा थोड़ा देर से आए आपकी जानिब, ये बताएं कि अभी सलमान
सलमान साहब भी ये कह रहे हैं, डॉक्टर मोहित साहब भी कह रहे हैं कि ये एक पेंडोरा बॉक्स खुल गया है, शायद हम लोग मैच्योर हो गए हैं क्योंकि इससे पहले ये फॉर्म 15 धांधली को इस अंदाज से नहीं देखा गया। आपके तमाम मामलात आने वाले वक्त में यानी मुस्तकबिल करीब में कुछ सिमटते नजर आ रहे हैं कि अभी मजीद और गुंजाइश भी है इस पर बहस करने की? इसमें जनाब सबसे बड़ी अहम बात यह है कि नादरा की रिपोर्ट के हवाले से मैं ये गुजारिश करूँ कि वो कमेंट्स देने के बारे में मजाज नहीं है, वो सिर्फ अपनी टेक्निकल रिपोर्ट पेश कर देंगे, उस टेक्निकल रिपोर्ट के बाद अपना कमेंट्स देना, राय देना, वो उनके अख्तियारात से बाहर है। तो उन्होंने नादरा ने चूँकि इसमें अपने कमेंट्स दिए हैं कि ये धांधली नहीं हुई है या ये तमाम जो है अंगूठों के निशानात उसकी तस्दीक नहीं हो रही, लेकिन ये जाली नहीं है, बोगस नहीं है, इस तरह के रिमार्क्स नहीं देने चाहिए थे, ये रिमार्क्स को फैसला करेगा। सियासी जमातें लेके आ रही है ना उस जाने, सियासी जमातें इमरान खान नादरा के चेयरमैन से मिलके आए, बाहर आके वैसे कुछ व्हाइट पेपर लेकर आ रहे हैं, तो अगले दिन नादरा के चेयरमैन को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है। चौधरी निसार साहब कहते हैं, हल्फन कहते हैं मैं नहीं मिला, अगर मिलूं भी तो कोई हर्ज नहीं। यानी हम लोग सियासी जमातें या हुकूमती अराकीन इस पोजिशन पे लेके आते हैं कि उन्हें फिर कॉमेंट करना पड़ता है। नहीं, बात यह है कि हमारा सबसे बड़ी बात यह है कि अदालती कमीशन जो ही हमारी बातें होती है बाहर आके दोनों पार्टियां जिस अंदाज में इंटरप्रिटेशन दे रही है वो गलत है, वो सही नहीं है। एक और तरीका ये होना चाहिए, जो बाकी फार्म पे आइए, पत्र फार्म पे आइए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, इसके बारे में जब ये मालूम हो जाएगा, जब रिटर्निंग ऑफिसरों को तलब करके पूछा जाएगा कि आपने अपने हलके में एक्स्ट्रा बैलेट पेपर जो शाया किए छिपवाए हैं उसकी क्या वजूहत थी, क्या उसकी ज़रूरत थी, उसका इस्तेमाल कहाँ हुआ, तो अब अगर रिटर्निंग ऑफिसर उसका तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके तो जहर है कि उस हलके का इंतखाब मुतनाज़ा हो जाएगा। और साथ ये भी आप देखें कि एक हलका है जिसमें कि 3.5 लाख वोटर हैं, उस हलके में 5 लाख वोटर अपने बैलेट पेपर छप गए हैं, तो 1.5 लाख बैलेट पेपर के इस्तेमाल कहाँ हुआ, तो पूछा जाएगा रिटर्निंग ऑफिसर से कि आपने ये 1.5 लाख बैलेट पेपर छुपाने के लिए क्यों ऑर्डर दिया प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन को। तमर साहब, मैंने यही सवाल आपसे किया था, आप ये बताएं हमारे नाज़रीन को कि किसी एक हलके में कितना इजाफी बैलेट पेपर छापे जा सकते हैं? 2 से 5, 2% 3% मैक्सिमम 4%, इससे ज्यादा तो उसके लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें तो तहरीक इंसाफ के एक हिसाब के हलके में 90%, किसी के 45%, तो ये सारा कुछ कहां से हो रहा था? तो ये भी गलत हो गया ना, इसलिए मैं ये सब गलत हुआ। बिल्कुल, प्रोग्राम का बस खत्म हो गया। सलमान गनी साहब आपका बहुत शुक्रिया, जबकि कुवरदिल शाह साहब साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उन्होंने हमें ज्वाइन किया उनका बहुत शुक्रिया, और सबसे बढ़कर डॉक्टर मुहित पेदार साहब सफर के दौरान हमसे गुफ्तगू की, आप सबका बहुत शुक्रिया। जा दीजिए, अल्लाह हाफिज़।